दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में, जहां पे पहली बार ग्रामर आप सीख रहे हो प्रिंटिंग के माध्यम से। मैं हूं आपका सत्यम सर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं डिग्री एक ग्रामर में टॉपिक में डिग्री जिसमें जो तीन तरह का होता है, कितने तरह का? तीन तरह का। उसके मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, BCS। सबका एक सपना होता है IAS और PCS बनने का, तो PCS जो ट्रिक है इसी पे हम सारा जो है डिग्री खत्म करते हैं, ठीक है। मैं आपको बच्चों एकदम बेसिक नॉलेज दूंगा। PCS की स्टैंड क्या कराता है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सी स्टैंड फॉर कंपरेटिव डिग्री और एस स्टैंड होता है सुपर लेटिव डिग्री। दोस्तों जैसा कि आपने देखा PCS पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसको समझना है, किस तरीके से। दोस्तों देखिए कि पी पहले नंबर पर है, नंबर वन, सी दूसरे नंबर पर है, टू, और एस तीसरे नंबर पर है, मतलब जो जिस क्रम में है उसी क्रम में हम समझते चलेंगे। सपोज करिए पी कोई एक आदमी है और सी कोई दो आदमी है और एस जो कि तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब ये हो रहा है तीन या तीन से अधिक, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां एक, यहां पे दो और यहां पे तीन। अब एग्जाम्पल हम लेंगे, सुरेश इज वाइज। सुरेश क्या है? बुद्धिमान है। पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव को सिंपल फॉर्म में बोलते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल सेंटेंस, कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा, ठीक है। सुरेश बुद्धिमान है। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना हमेशा दो लोगों में ही होगा, एक लोगों में कोई कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री में देखेंगे आप दो लोगों में, सुरेश इज वाइजर देन रमेश, ठीक है। दोस्तों मैं बोल रहा हूं सुरेश इज वाइजर देन रमेश, ठीक है। दो लोगों में दो की बात हो गई, सुरेश रमेश से ज्यादा बुद्धिमान है। सुपर लेटिव जैसा कि मैंने बताया इसी की सारा कंसेप्ट है। पी पहले नंबर पर था, यहाँ पे एक लोगों की बात होती है, सी दूसरे नंबर पर है, दो लोगों की बात होगी, और एस तीसरे नंबर पर, मतलब की तीन लोगों या उससे अधिक की बात करता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं सुरेश इज द वाइजेस्ट इन हिज क्लास। सुरेश क्या है? पूरे क्लास में सबसे बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहां देखिए तीन से ज्यादा की बात हुई, यहां पे दो लोगों की बात हुई, तो यहां पे सिर्फ उसकी ही क्वालिटी बताया जा रहा है, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है। अब दोस्तों शुरू करते हैं, समझने की बात यह है, फिर आपको इतना याद रखना है कि जहां कंपेरिजन की बात होगी वहां पर ER प्लस देन ये लगा होगा, एक मस्त है ER प्लस देन, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वाइजर देन। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है द प्लस EST। क्या होता है दोस्तों? द प्लस EST। अब मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। नोट दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग एक्सरसाइज खत्म किया है, अब इस नोट में क्या देखें, ट्रिक है हमारा SSPG, मतलब दोनों SSPG। एस क्या है? सीनियर, एस सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, इंफीरियर। ये जो है ये दीज आर लैटिन वर्ड्स, ये लैटिन वर्ड्स हैं और इनके बाद दय नहीं लगेंगे। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, दय नहीं यूज होगा, ये सिर्फ कंपेरेटिव में यूज होता है, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ। इसके बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। जैसा कि आपको देखिए ही इज सीनियर देन मी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ आर है ना कि ई आर है, ठीक है।
तो ये पूरी तरह गलत है। सही क्या होगा? ही इज सीनियर टू मी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर जूनियर टू मी। हिज पेपर इज सुपीरियर टू माइन। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिखा पाया, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बहुत से बच्चों को मेरे चैनल के बारे में बताया, जिससे वो कुछ सीख सकें, उन्हें कुछ नया मिल सके। थैंक यू सो मच।